अरे यार औरत है, इसको क्यों मार रहे हैं भाई? तो शेख जी मुझे मार ले, इसे छोड़। ठीक है चल तू अंदर चल, अंदर निकल जा। ठीक है तुझे मार लेता हूँ। अरे अरे भाई मार, अरे तुझे बता मैं हिमाती को ज्यादा मारता हूँ। अरे भाई हिमात ले रहा था। अरे भाई साहब मैं तो ये कह रहा था कि बेगम को न मारे। ठीक है ना, मेरा के कसूर था भाई। मैं तू था बुरा मार गया। अरे भाई साहब तू तो सच में मारने लगा मेरे। मैं निकल जा साले, निकल जा मारे कर। आज के बाद मैं किसी की निकल निकल साले निकल जा जा। आय 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 हिमात लेने साला। साले बतलाएगी कुत्ता। मैं बोल रही नहीं। बतलाएगी कुत्ता साले उसके मारने का तौर। साले मेरा नाम शेख चिल्ली है। अरे शेख चिल्ली क्या बात है, क्यों लड़ रहे हो तुम? डॉक्टर साहब आ जाओ आ जाओ, बैठो बैठो। कुछ नहीं डॉक्टर साहब, मुझे तो पहले तुम्हारे से एक काम पहले ही था। अरे क्या काम पड़ गया मेरे से तुझे? डॉक्टर साहब आप मुझे 100 रुपए उधार दे दो। 2 रुपए की जरूरत है मुझे भाई, मैं उधार तो देता नहीं किसी को। डॉक्टर साहब आप डॉक्टर हो, 100 रुपए नहीं दे सकते, फिर हमारा क्या होगा? 100 रुपए दे दो, मैं आपके 8 दिन में लौटा दूंगा। देख भाई 8 दिन में लौटा दियो, ब्याज ब्याज तो मैं लूंगा नहीं। ठीक है याद रखियो तू, 100 रुपए दे दो, 8 दिन में दे दो, तगादा करने आ जाना। ठीक है दे दियो 8 दिन में, दे दूंगा याद रखियो। निकल निकल, नहीं निकल। अबे अबे याकूब, अबे याकूब, अबे नाराज है क्या? बोल भी ना रहा यार। अबे नाराज ना हूँ, जब तूने अपने घर मुझे डंडे से पिटवाया। अबे नाराज हो गया तो डंडे लगने से ही? अबे तो नाराज वाली तो बात ही है ये। अबे यार तू मेरा खुदा का बंदा, तू मेरा दो मार ले यार। अबे नाराज मत हो, चल ऐसे कर दोनों ईंट से खेलेंगे। चल ठीक है चल, मगर एक बात होगी, जिसकी ईंट आगे निकलेगी वही पद्धी पे लाद के चलेगा। ठीक है मुझे मंजूर है भाई, चल तो चल आ जाओ। चल 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 फेंक, तू फेंक पहले। तो बड़ा शाना तू तो, देख मेरी ईंट आगे निकल गई, चल बन का था, अब पद्धी पे बैठा मेरे को। ठीक है ना, चल ले चल भाई, ऊपर ऊपर को चला करना है। अबे मेरी निकली आगे। बस वाला झूठ बोल रहा। अबे तू झूठ बोल रहा, जल्दी से बन जा कदा। मैं नहीं बनने का, तेरे में तो बहुत वजन है। बस साला वजन कम बढ़ती की तैयारी हुई थी साला, जब तक बड़ा चिट्ठी खा रहा था मेरे का। मैं नहीं बैठाने का हूँ, जल्दी बैठा ले साले, तेरी पिटाई कर दूंगा, तेरा मुंह को बिगाड़ दूंगा। ठीक है साले, अब फंसवाता हूँ तेरे को। जल्दी बैठ, सही से नोट कर दो। चल मेरे पास की लाठी है। तुम्हारी आंखें फूट रही है क्या? मैं पगली, मैं तो चिट्ठी खा रहा था, मुझे क्या पता ये अड़ा देगा तुम। मैं चिट्ठी खा रहा तो चल निकल ले, अभी चिट्ठी खिलवा दूंगी तुझे। रे मगा झूठे, आज तो सूट भी लाली पहन रहा, मरवाओगा कहाँ झोटा। अब मैं तो अपने झोटे से कह रही है, इसे थोड़ी कह रही हूँ। पागल बना रहा है, तुझे थोड़ी कह रहा हूँ। झोटे भी लाल सूट पहनते होंगे कहीं? पहन ले पगली, पहन ले है, ईद पे बकरा ईद पे कभी भी पहन ले। तो तेरे घर में ही पहनते होंगे, चला जाए यहाँ से, नहीं तो अभी सीधा कर दूंगी तुझे। मुझे बेवकूफ समझ रही है बदतमीज? बेवकूफ तो है तू। चलते पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। I'm going to take it.
अब्बा कैसे बैठे हो यहाँ? बेटा थक गया हूँ, बूढ़ा आदमी हूँ, थोड़ी सांस ले रहा हूँ। सांस? जब बूढ़ा आदमी हो जाता हूँ थक कर सांस लेता है? हाँ बेटा, जब तुम भी बूढ़े हो जाओगे तो तुम भी सांस लिया करोगे। मगर मैं कब बूढ़ा होऊंगा अब्बा? बेटा तुम्हारे बच्चे जवान हो जाएंगे, तुम भी बूढ़े हो जाओगे, मगर बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम क्यों पूछ रहे हो अब्बा? मेरा नाम शेख शिल्ली है। बेटा तुम मेरा एक काम कर दोगे? काम कर दूंगा? बताओ, मालिश करवानी है, टांग तोड़वानी है, सर फुड़वाना? नहीं नहीं बेटा, कोई तोड़ फोड़ नहीं करनी। और मैं तुम्हें 5 रुपए दूंगा, मेरा संदूक मेरे घर तक पहुँचा दो बस। संदूक ना चला खुदा के बंदे, इन हाथियों ने देख कितना बड़ा दरवाजा अपनी पीठ पर रख रखा। ठीक है चलो मेरे सर पर रखवा दे, मगर एक बार सुन ले, मेरा पीछे पीछे चलता रहिए। अच्छा। क्योंकि मैं चलते ही उड़ लूंगा। अच्छा अच्छा, कभी फर लखा चला जा। क्या भर रखा इसमें? इसमें मेरी लड़की की कपड़े और गहने हैं बस। इतने सारे? ठीक है, किधर चलना? इधर आ जा। दिखाई नहीं दे रहा, कहीं मर गया दिखे पीछे है? अब कैसे करूं साले, घर ले चलता हूं सवाल को, साला मेरा पेशाब ले ले साले। ओए सज्जा सज्जा, मां कहां फंस रही है? कम वक्त मेरी नाक टूटी जा रही है, मां कहां है? बोल भी ना रहे। क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? मैं उधर क्या कर रही है? क्या तुमने अफीम खा रखी है? मैं मुझे अफीम बता लिया खुदा के बंदे, मैंने कुछ नहीं खाया, बिना से तरवाद है खड़ी, स्वाद ले रही है बातों में। ना टूट गई। सच बताओ इसमें है क्या? अबे इसमें माल है, माल माल लाया हूँ, देख ले खोल कर दिया। कहीं तुमने चोरी तो नहीं की? अबे चोरी तो मैंने उस दिन ही छोड़ दी थी, उतना निकाह हुआ था। तुम्हें मेरी कसम, बताओ ना इसे कहाँ से लाए हो? अबे इसे वहाँ से लाया हूँ, रास्ते में वो हाथी नहीं बन रहा, हाथी से हाथी का दरवाजा, हाथी वाला दरवाजा बन रहा नहीं, ऊंचा वाला, वहाँ एक बुढ़ा बैठा था, वो कह लगा अब बेटे मेरी संदूक ले चल, 5 रुपए दूंगा। मैंने कहा ठीक है, मेरे रख दो मेरे सिर पे। मैंने अपने सिर पर रखवा ली, अब मैं तेज तेज चला, वो कम वक्त पीछे रह गया, मैंने उल्टा फिर कर देखा, मुझे दिखा ही नहीं, मैं साले को घर पे ले आया। माले को मार। या अल्लाह, अगर इसमें चोरी का सामान हुआ तो हम पकड़े जाएंगे और फिर मैं चोर की बेगम कहलाऊंगी। देखो जी इसमें एड्रेस लिखा है, तुम इसे इसी एड्रेस पे पहुंचा दो। अबे मैं वहां पहुंचा दूं? मैंने कम्मखत का घर भी नहीं देखा। मैं बता तो रही हूँ। बतला दे, चल बतला दे। घर तो मैं बताती, सुनो। हाँ बतला दे। सईद नगर गांव में मनपुर बूढ़ा है, जाओ उससे पूछ लेना। अबे मेरा मुंह पिटवाएगी वहाँ, साले छेद देगा मुझे, बहुत पिटवाएगी, मेरे बच्ची लेके जाना साले को। अगर जो हम पकड़े गए तो? मैं पकड़े जाता, ईमानदारी दिखला रही, पूरी ईमानदार हो रही है। ले जाओ उसे तुम, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। ठीक है, तू नाराज मत होना, मुझे दिखा दे। पूरी ईमानदार हो रही है।
पिताजी आ गए आप। पिताजी हमारा सामान कहाँ है? क्या हुआ पिताजी, आप रो क्यों रहे हो? बेटा सामान को देख चोर लेके भाग गया। क्या कहा पिताजी? सामान हमारा चोर ले गया। हाँ बेटे। पिताजी उसमें तो मेरे गहने और कपड़े भी थे, वो भी ले गया। हाँ बेटे। पिताजी अब मैं अपना ससुराल कैसे जाऊंगी? मेरे ससुराल वाले मुझे नहीं रखेंगे पिताजी, अब क्या होगा? बेटे रो मत, जो होना वो तो हो ही गया। पिताजी कुछ तो करो, किसी तांत्रिक से ही पूछ लो। हाँ चलो तांत्रिक से पूछते हैं। बेटे वो आशा कहाँ है? पिताजी आशा तो आ जाएगी, लेकिन आप तांत्रिक के पास चलो। हाँ चलो। प्रणाम बाबा। बाबा प्रणाम। आओ बच्चा, क्या कष्ट है? तुम क्यों रो रहे हो? बाबा मेरी लड़की के कपड़े गहने एक ठग ने उड़ा। मेरी बेटी को तो कल ससुराल जाना था और वो लोग मेरी बेइज्जती करेंगे। आओ बेटी हाथ दिखाओ। आपको एक बलि चढ़ानी होगी। बलि? कैसी बलि बाबा? जो भी प्राणी तुम्हारे घर में सबसे पहले आएगा उसकी बलि चढ़ा देना, जिससे कि माँ काली खुश हो जाए। और सुनो, उसकी आखिर की इच्छा और सुन लेना। जाओ बच्चा जाओ। चलिए पिताजी। बाबा ये आपकी दक्षिणा। चलो पिताजी। बेटे बाबा ने कहा है जो घर पर आए उसी की भेंट चढ़ानी है। बकरा कुत्ता मुर्गा बिल्ली चाहे आदमी हो। हाँ चाहे कोई भी हो, जो भी आए उसे बांध लेना और उसकी आखिरी इच्छा पूछ लेना। मैं एक बार वहां हुई हूँ जहाँ संदूक चोरी हुई। ठीक है पिताजी। आशा देखियो, ना तो बकरा आया ना किसी का मुर्गा आया, अब हम भेंट किसकी चढ़ाएंगे? कोई ना कोई तो आएगा ही। कब आएगा? हो सकता जब है। तक वो नहीं आएगा मेरे तो गहने और कपड़े भी नहीं मिलेंगे। ऊपर वाले पे भरोसा रख, जरूर मिलेंगे। पता नहीं कब मिलेंगे। मनपुर बूढ़े का घर यही है क्या? हाँ जी यही है। क्या काम है?